हेलो दोस्तों, कैसे हैं लोग? आप देख रहे हैं बाबा वाला फैक्ट्री, इट्स समथिंग डिफरेंट। तो हम लोग ब्लॉक्स टेक्नोलॉजी एंड अनबॉक्सिंग की रिगार्डिंग वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है। तो आज का जो चीज़ है, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का, जो कि आपको डे टू डे लाइफ में आपके काम में आने वाला एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा काम में एक चीज़ आने वाला है, जो कि है एक पोर्टेबल फुट पंप, ठीक है ना। ये अगर आपके घर में बाइक हो, साइकिल हो, कार हो, या आपकी फुटबॉल वगैरह हो, मतलब कोई भी पाम देने वाला जो चीज़ है वो अगर आपके घर में है, ठीक है ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला एक चीज़ है, ठीक है। मतलब पोर्टेबल चीज़ है और बहुत ही हैंडी है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, जैसे कि आपको इसका पूरा एक्सपीरियंस, पूरा आनंद आप ले सके, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ शेयर कर दीजिएगा आपके दोस्तों के साथ। और हाँ, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको आप देख सकते हैं कि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, सपोर्ट आप सिर्फ सब्सक्राइब करके कर सकते हो और लाइक करके कर सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो फूड पंप है बहुत ही ज़्यादा हैंडी है, जो कि मैंने अमेजोन से परचेस कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसका पैकेजिंग, तो इसको हम पहले अनबॉक्सिंग करेंगे और अनबॉक्सिंग के बाद इसका जो ओवरऑल लुकिंग आपको दिखाएंगे कि कैसा है, ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं आप इसको कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और इंजॉय करिए इस वीडियो को। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट अमेजोन से आ चुका है, कि इसका बाहर का पैकेजिंग आप देख सकते हैं कि कैसा क्या आया है, ठीक है, इसका पैकेजिंग। तो इसको मैं फटाफट खोल लूँगा। तो खोलने के बाद देखिए, मैं इसको खोलूँगा। तो खोलने के बाद आप अंदर बॉक्स देख सकते हैं। तो बॉक्स को बाहर निकलने के बाद अब देखिए कि इसका कंडीशन कैसा है, मतलब कैसा आया है। तो आप देख सकते हैं कि इसका नाम है इनफ्लेटर इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल प्रोफेशनल, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको लिखा है, मिनी फुट पंप करके लिखा है। तो आपको यहाँ पर डिटेल्स वगैरह दिया गया है, कार, बाइक, साइकिल या फुटबॉल वगैरह का फ़ोटो दिया गया है इसके ऊपर। तो बात ऐसा है कि इसको खोल लेता हूँ। तो देखिए ठंडा, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, और इसके देखिए क्या दिया गया है इसके ऊपर। ओहो भाई, क्या रिवॉर्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मतलब बेचने का ट्रिक्स देखो, मतलब 5-स्टार रेटिंग में 2, इसके लिए 50 रुपीज़ मुझे देगा कि कैशबैक रिवॉर्ड, ठीक है। तो इसके लिए हमें 5 रेटिंग देना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, अमेजोन की साइट पर जाके। तो ऐसा कुछ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लोजली देखिए कि इसमें आपको कितना प्रेशर टक आपको मैक्सिमम मिलता है, और वो तो मतलब ऐसे में दिया जाता है, ठीक है। तो इसका नोजल वगैरह कुछ ऐसा ही देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये लगभग प्लास्टिक का है, ठीक है। तो देखकर तो चाइनीज़ बिल्ड लगता है, और हेवी है, चाइना माल ही है, ठीक है। तो समझ लो कि चाइना का माल है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना का माल है कि बॉयकट करो बॉयकट करो, तो मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता नहीं है, ठीक है। मतलब जो मर्जी हम करें, फ्रीडम में बिलीव करते हैं, ठीक है। मतलब अगर चाइना का माल अच्छा हुआ तो क्यों नहीं खरीदे, है ना। हम अच्छा क्वालिटी जो भी होगा उसको खरीदेंगे, तो बात ऐसा ही है। तो आप देखिए वीडियो में आगे देखते रहिए कि इसके पैकेट में जो भी चीज़ है, पैकेट में आप देख सकते हैं कि या फिर जो कुछ फ़ोटो वगैरह दिया गया है, क्लोजली आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। चलिए अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि प्रैक्टिकली क्या है, सच में काम करता है। तो देखिए, ये मैंने बाइक में लगा दिया हो, ठीक है। अभी बाइक में लगाने के बाद इसको पैरों से मैं बेशक देखिए पाम करूँगा, कि देखूँगा कि कितना आसानी से मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो लगाने के बाद कुछ रीडिंग यहाँ पे दिख रहा है, तो देख सकते हैं। उसके बाद मैं प्यारों से इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा हार्ड मुझे लग रहा है, ठीक है। मतलब उतना आसान नहीं है, आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, प्रेशर लगेगा आपको, क्योंकि सिंगल सिलेंडर है, ठीक है ना। एक डबल सिलेंडर वाला भी आता है, वो मैं आने वाला वीडियो में वो दिखाऊंगा कि डबल सिलेंडर वाला फुट पंप, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को फॉलो करना होगा, जैसे कि आपको आने वाले टाइम में वो भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो वो मैं ऊपर राइट साइड में आपको आई बटन में दिखाई देने को लिख जाएगा, दिखाई देगा, ठीक है। उसके बारे में तो उसका लिंक आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिल जाएगा। और अगर अपलोडेड हो चुका है, तो आप अगर बाद में वीडियो देख रहे हैं, अपलोड होने के बाद, मतलब वो नेक्स्ट वाला वीडियो अपलोड होने के बाद, तो आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा वीडियो। तो आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा, वीडियो की जो टाइटल है उसमें क्लिक कीजिए, ठीक है। अगर मोबाइल से देख रहे हो तो क्लिक कीजिए, तो आपको नीचे आई बटन का जो वीडियो है वो दिखाई देने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बात ऐसा है, तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ है, तो ये मैं बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए, ये जो साइड वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे अगर पैर रख के अगर आप इसको दबाओगे, तो ये आसानी से, मतलब आप ऐसा नहीं है कि पाम नहीं कर सकते हो, बहुत ही आसानी से पाम कर सकते हो। जैसे कि आपको हाथों से जो देना पड़ता है ना, तो उससे बहुत ही अच्छा बेनिफिट मुझे ये लगा, ठीक है। मतलब वो इतना बड़ा सा चीज़ है, हाथों हाथ मार के करना पड़ता है, और वहाँ पे तो मतलब उतना आसान भी नहीं होता है, ठीक है, बाइक को पाम करना। जैसे कि मेरे पास वो भी है,
और उसको देखकर बाइक को पंप कराना मतलब उतना मतलब हैंडी नहीं है, लेकिन इसमें जो कॉम्प्रेशर वाला चीज़ है ना मतलब वो बहुत ही हैंडी होता है। मुझे मतलब प्रेशर देना पड़ा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो डबल सिलेंडर वाला है उसमें और भी आसानी से पंप किया जा सकता है, ठीक है। तो वो भी आने वाले टाइम में हम ट्राई करेंगे। तो ये जो आप देखे ठीक है, इसमें भी बहुत ही आसानी से अगर आप कर सकते तो मतलब कर लेंगे, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो लगभग 40 तक बहुत ही आसानी से मतलब 40 PSI, ठीक है, 40 PSI तक आपको ये बहुत ही आसानी से पंप आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये ही ठीक ठाक है, 40 से ऊपर आपको ज़रूरत भी नहीं होता है, ठीक है। आपकी बाइक की टायर में पीछे का टायर में रियर व्हील में आपको मैक्सिमम 40 तक की बहुत है, ठीक है, उसके ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। उसके ज़्यादा देंगे तो स्कीड कट जाएगा, तो इसके ख्याल से तो ठीक ठाक है। हालांकि इसमें PSI बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, लेकिन उतना मुझे लगता नहीं कि ये कर सकता है, ठीक है, उतना केपेबल है, ठीक है, उतना प्रेशर झेलने के लिए केपेबल है। मतलब 40 तक जितना ज़रूरी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। और ये भी आपको अमेजोन में मतलब बहुत ही सस्ते में मिलता है, मतलब लगभग 500 के आसपास आपको प्राइस देखने को मिल जाता है। हाँ, प्राइस थोड़ा सा अप डाउन करता है, इसलिए मैं प्राइस के बारे में थोड़ा मतलब बताता नहीं हूँ। लिंक वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे दिया गया है, तो आप वो लिंक में जाके देख सकते हैं, ठीक है, कि अभी का प्राइस क्या है। तो बात ऐसा है, तो हमको फेसबुक और इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे भी हमारा पेज है, सर्च करो हमारे चैनल के नाम पे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। और हालांकि वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी लिंक है, और स्क्रीन में भी आप देख सकते हो उसका आईडी, ठीक है। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ये जो चीज़ है ये आपकी घर में अगर साइकिल कार बाइक ऐसा कुछ है तो आपको बहुत ही कम में आने वाला एक डिवाइस है, ठीक है, तो आपको एक आपके घर में रखना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपके दोस्तों के साथ, जैसे कि उनको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। और चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास रहता हुआ बेल बटन को हिट कर दीजिएगा, जैसे कि आपको आने वाला कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो, ठीक है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप सपोर्ट कैसे कर सकते हो, सपोर्ट सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ऐसे आप सपोर्ट कर सकते हो। और हाँ, सब्सक्राइब बटन तो बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहना हमारे साथ बाबा होलो फैक्ट्री के साथ। और हाँ, मिलते हैं नए वीडियो में, और एक चलो तब तक के लिए मचाते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।